नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो देखना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो है खून यानी ब्लड के ऊपर। हमारे शरीर के लिए खून कितना इम्पोर्टेंट है ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि हम सभी के शरीर में खून की कमी है, क्योंकि हमारा आजकल का खान पान इतना अच्छा नहीं है कि हमारा शरीर उतना खून बना पाए जितना हमें जरूरी है। तो ऐसे में हर एक के शरीर में खून की कमी तो रहती ही है, और इसीलिए ज्यादातर लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फल बताने वाली हूँ, और अगर आप उन्हें अपने डेली डाइट में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में खून की कमी कभी भी नहीं होगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खून हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर ही आप समझ पाएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और आपके शरीर में खून की कमी से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, जो हमारा खून है वो हमारे शरीर के ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों में लेकर जाता है, और ये ऑक्सीजन ही हमें जिंदा रखती है। तो ऐसे में अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन कम पार्ट्स में जा पाएगा, तो ऐसे में आपको कमजोरी रह सकती है, सिर दर्द हो सकता है, काम करने में मन ना लगे, आलसपन आए, और धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम है बीमारियों से हमारी रक्षा करना। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी इसका मतलब है हमारे शरीर में WBC कम होंगे, जिस कारण से आपको बीमारियां जल्दी घेरेंगी। यानी कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको बीमारियां जल्दी लगेंगी। तो ऐसे में खून की पूर्ति करना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कौन कौन से फल आपको डेली डाइट में शामिल करने चाहिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। खून की कमी को दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फल है अनार। अगर किसी के भी शरीर में खून की कमी है तो उसे अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अनार हमारे शरीर में खून की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा करता है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी अनार का जूस पीने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि उनके शरीर में खून की कमी बिल्कुल भी ना हो। अनार के अंदर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर, आयरन और बहुत से विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पर है एप्पल यानी कि सेब। सेब का सेवन करके भी आप अपने शरीर से खून की कमी को दूर कर सकते हैं। सेब के अंदर फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे वजन को भी कम करता है और हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। चुकंदर का सेवन करने से भी खून की कमी को दूर किया जा सकता है। आप चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं और इसे सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। इसके अलावा अंगूर के सेवन से भी शरीर से खून की कमी दूर होती है। अंगूर में भी ढेर सारे विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व होते हैं। ये सारे तत्व हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए एक और बढ़िया चीज है गाजर। गाजर के सेवन से भी शरीर से खून की कमी दूर होती है। आप गाजर का जूस भी पी सकते हैं और इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ फल और सब्जियाँ जिनके सेवन से आप अपने शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप बस इस चीज का ध्यान रखें कि आपके शरीर में कभी भी खून की कमी ना हो, क्योंकि अगर खून की कमी हो गई तो आपको ढेर सारी बीमारियां आ सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।